हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के एक्सरसाइज 9.5 का कुछ क्वेश्चन जो हमारा बच गया था, वो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, है ना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। अब इसमें से हम क्वेश्चन देखते चलते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल 7 क्वेश्चन है। चलिए देखते चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये दिया है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये वाले उसको बात करने से पहले आपको मेन 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का क्या? होल स्क्वायर, ठीक है। दूसरा क्या है? a माइनस बी का क्या? होल स्क्वायर। तीसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इसी से आप लोगों का पूरा फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और क्या? a माइनस बी, ठीक है। बस बच्चा आप लोगों को बस यही तीनों फॉर्मूले को ना अच्छे से एकदम रट्टू तो याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन देखते चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व, ठीक है। तो फर्स्ट ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का क्या है? होल स्क्वायर। देखो ये कौन सा फॉर्मूले के जैसा है? ये हमारा सेकेंड फॉर्मूले के जैसा है ना, क्योंकि बीच में क्या लगा है? माइनस लगा है, माइनस लगा है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, देखो ये जो ए स्क्वायर है उसको मान लो ए और बी स्क्वायर को क्या मान लो बी। अब बस यही फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक। चलो करते हैं। क्या होगा ये? ए स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर होता है ना, और ए क्या है यहाँ पे? ए स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर का क्या? होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस टू, ए कितना है हमारा? ए स्क्वायर। बी कितना है हमारा? बी स्क्वायर, ठीक। फिर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है? बी स्क्वायर को हमने बी लिया है का होल स्क्वायर। बस जो दिया है ना ये पूरे को बेटा, पूरे को ए लेना है, मतलब ए स्क्वायर को हमको ए लेना है, बी स्क्वायर को बी लेना है, ठीक है। अब ये कितना होगा? ए का पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू दी पावर 4 आ गया। बस इतना ही तो करना है, बिल्कुल इजी, ठीक है। आ गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। इसमें भी सेम करना है हमको, है ना। पहले इसको करना है सिंप्लीफाई, फिर इसको करना है सिंप्लीफाई। तो देखो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या है देखो, 2 मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा फर्स्ट में। चलो लगाते हैं। तो यहाँ पे a कितना हो जाएगा? a हो जाएगा 2x और b कितना हो जाएगा? 5। हमारा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस इस पे पुट करना है 2x का होल स्क्वायर प्लस 2, a कितना है? 2x, b कितना है? 5 प्लस b स्क्वायर मतलब 5 का क्या? होल स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया। अब बीच पे क्या है देखो? माइनस है। फिर 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो सेकेंड वाला फॉर्मूला, बस पुट करो सेम 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या था? इतना कर लिए थे। अब आगे कितना होगा? ये 2 का 2x का होल स्क्वायर कितना होता है?
देखो बच्चा, होल स्क्वायर का मतलब वो दोनों का है, ठीक है, होल का मतलब दोनों का है ना। तो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, नंबर का नंबर के साथ इंटू करो, 2 2 4 4 5 20x, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस, आप देखो हमने यहाँ पे माइनस तो किया था बट एक गलती, यहाँ पे हमने क्या ब्रैकेट डालना क्या किए थे, भूल गए थे, ब्रैकेट डाल लो। अब आप लोग अब ब्रैकेट के लिखते हैं, इसका कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2 2 4 4 5 20x प्लस 25 हो क्या। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ने हमको ब्रैकेट से बाहर निकालना, ब्रैकेट सॉल्व नहीं करना, ठीक है। चलो करते, 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25। अब देखो क्या करना है, सिंपल, अगर आप लोगों को नहीं समझ आता, मेन तो क्या होता है यही माइनस का सब में इंटू होता है तीनों में, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, जो साइन देखो अंदर में, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो जो दिया है उसके साइन का जस्ट ऑपोजिट कर दो। जैसे कि ये यहाँ पे कुछ नहीं दिया मतलब प्लस है, तो डायरेक्टली माइनस 4x स्क्वायर डाल दो। यहाँ पे कितना है, माइनस 20x है, तो आप लोग क्या करोगे, उसको प्लस 20x लिख लो, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, माइनस 25, ठीक। अब देखो प्लस माइनस, जो देखो ये 4x स्क्वायर माइनस है, 4x स्क्वायर प्लस है, कैंसिल आउट हो गया, 25 प्लस है और एक 25 माइनस है, कितने बच गए हम, 20x प्लस 20x। देखो दोनों लाइक टर्म है ना, अब जब दोनों लाइक टर्म है तो हम इसको आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कर दो ऐड, 40x आ गया ना। याद रखना एक्स स्क्वायर नहीं करना, 20 प्लस 20 प्लस हो रहा है ना, देखो इंटू में एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7m माइनस 8n स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है पिछला टाइप का, बस सेम टू सेम आपको सॉल्व करना है, ठीक। अब देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, a माइनस b का क्या होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक। a प्लस b का क्या होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, बस इसी पे आपको सॉल्व करना है। चलो ये कितना होगा, 7m माइनस 8n का स्क्वायर, a कितना है 7m है, तो 7m का क्या होल स्क्वायर माइनस, माइनस है क्योंकि 2, a कितना है 7m, b कितना है 8n प्लस b का स्क्वायर मतलब 8n का क्या होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे प्लस है, पिछले में माइनस था तो अभी प्लस है, तो प्लस करेंगे। अब प्लस के बाद ब्रैकेट डालने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, सिर्फ हमको माइनस में ब्रैकेट डालना है, याद रखना। अब सेम टू सेम इसको भी लिख दो, 7m का क्या होल स्क्वायर प्लस में है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा रही हूँ, प्लस 2 इंटू 7m इंटू 8n प्लस 8m होल स्क्वायर हो क्या। अब चलो ये कितना होगा, 7 7 49m स्क्वायर माइनस 2 7 14, और 14 8 कितना होता है, कर लो यहाँ पे 14 इंटू 8 8 4 32 3, 8 1 8 9 10 11 112, ठीक है 112। अब जो जो वेरिएबल है उसको लिख दो m और n, ठीक है। अब 8 8 कितना होता है 64n स्क्वायर। अब नीचे को भी लिखो कितना होगा, 49m स्क्वायर प्लस अभी किए थे 2 7 14, और 14 8 कितना होता है 112mn, ठीक है, प्लस कितना होगा 64n स्क्वायर। अब देखो जो जो कट रहा है उसको काट दो, ये कट रहा है और ये कट रहा है, बाकी नहीं कट रहा है। अब जो लाइक टर्म है उसको ऐड कर दो, जैसे कि ये और ये लाइक टर्म है और दूसरा लाइक टर्म ये और ये, उसको कर दो भाई। तो देखो 49
प्लस 49 कितना होगा 9 9 9 9 18 कैरी 1 मतलब 98 एम स्क्वायर आ गया। अब वैसे 64 को करो प्लस 4 4 8 6 6 12 128 एम स्क्वायर आ गया हमारा आंसर। ठीक है चलो आ गया ना समझ में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी तो सेम क्वेश्चन है बच्चा, देखो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, सेम टू सेम तो है। चलो करें क्या, ये हो जाएगा 4m का क्या होल स्क्वायर प्लस 2 × 4m × 5n प्लस 5m का क्या होल स्क्वायर। ठीक है प्लस अब कितना होगा ये 5m का होल स्क्वायर प्लस 2 × 5m × 4n + 4n का होल स्क्वायर। ठीक है बस कुछ नहीं की a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले में एक्सपैंड की हूं बस और कुछ नहीं की हूं। ठीक है चलो अब ये कितना होगा बताई थी होल मतलब सबका पावर है वो दोनों का पावर है ना। तो 4 4 सा कितना होता है 4 का स्क्वायर 16m² प्लस 2 4 8 8 5 20 8 5 8 5 कितना होता है 40 2 4 8 8 5 40 40 mm। ठीक है अब वैसे ये भी हो जाएगा 5 5 25 और n स्क्वायर ये कितना होगा 25 m है तो m स्क्वायर प्लस 2 5 10 है ना 10 + 4 40 mn प्लस ये कितना हो जाएगा 16 m स्क्वायर। अब लाइक टर्म को ऐड कर दो तो देखो m स्क्वायर वाले कौन कौन है ये है और ये है m स्क्वायर वाले करो उसको ऐड 16 + 25 कितना होगा 11 2 3 41 होगा क्या देखो हाँ 41 होगा। अब m स्क्वायर डाल दो अब 40 mn mn वाला टर्म देखो दो ठो है तो कितना हो जाएगा 40 + 40 80 mn हो गया प्लस 25 और 16 अभी किए हम लोग 41 अब ये दोनों बच गया ना देखो। ठीक है तो कितना हो गया 41 n² ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब ये भी इजी है अब ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ आप लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab + b² करते हैं आप चलो 2.5p का होल स्क्वायर माइनस 2 a कितना है 2.5p b कितना है 1.5q ठीक है प्लस 1.5q होल स्क्वायर आ गया माइनस। अब देखो माइनस आ गया तो हमको क्या लगाना पड़ेगा ब्रैकेट। ठीक है अब चलो करो 1.5p होल स्क्वायर माइनस 2 × 1.5p और क्या होगा इंटू 2.5q प्लस 2.5q का क्या होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक है अब सॉल्व करते हैं देखो 2.5 का होल स्क्वायर 2.5 का होल स्क्वायर कितना होगा मैं यहाँ पे रफ वर्क कर रही हूं ना आप लोग बताओ कैसे करेंगे 2.5 × 2.5 कितना होगा 5 5 = 25 2 5 2 = 10 और ये कितना हो गया 125 2 5 = 10 कैरी 1 2 2 = 4 और एक 5 कितना है 6 2 5। अब पॉइंट कैसे लगाएंगे टोटल पॉइंट काउंट करो 1 और 2 2 अब 2 के बाद पॉइंट लगा दो 1 2 मतलब हमारा आंसर कितना आ गया 6.25 का क्या होल स्क्वायर माइनस अब इसको करो 2 5 = 10 है ना देखो
टू फाइव सा कितना होता है, टेन होता है। चलो हम यहाँ पे कर लेते हैं, टू फाइव, टू पॉइंट फाइव इंटू टू, टू फाइव सा टेन कैरी वन, टू टू सा फोर एक फाइव, फाइव कितने कितना पॉइंट है टोटल वन, तो यहाँ पे लिख लो 5.0। इतना सॉल्व किए तो 5 आ गया। अब इसको भी इंटू कर दो, क्या बोलते हैं 1.5 को साथ में 1.5, तो कितना आया 500, 5 5 25 और एक 05 आ गया इतना। अब सॉल्व करो 057, कितने के बाद पॉइंट लगेगा, 2 के बाद, मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट, 1 2, तो आंसर कितना आ गया 7.5, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का लिखने का मतलब नहीं है ना। अब पी क्यू आगे इतना, अब देखो 1.5 का होल स्क्वायर कितना होता है, ये भी आप लोग कर लो, कर लो यहाँ पे 1.5 इंटू 1.5 कितना होगा, 5 5 25 2 5 5 5 और एक 7 75 हो गया इतना है ना। अब 5 और 1 कितना आया 5 12 225, पॉइंट कितना लगेगा, 2 के बाद पॉइंट लगेगा 2.25, 2.25 क्यू स्क्वायर। देखो मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, यहाँ पे क्या आएगा पी स्क्वायर आएगा ना, पी स्क्वायर की जगह वो लिख दी थी, ठीक है इतना समझ आ गया। अब चलो इधर करते हैं, हमने निकाला 1.5 का स्क्वायर कितना था 2.25 पी स्क्वायर, लिख देते हैं माइनस 2 इंटू, ये सब का इंटू हमने कर चुका है, देखो कितना आया था 7.5 पी क्यू प्लस 2.5 क्यू का कितना आया था 2.5 का होल स्क्वायर 6.25 क्यू स्क्वायर आया था। चलो अब इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, 6.25 पी स्क्वायर माइनस 7.5 पी क्यू प्लस 2.25 क्यू स्क्वायर माइनस, अब क्या बताई थी मैं ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो जितना साइन है ना उसका ऑपोजिट लगा दो, तो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है प्लस है तो हम उसका माइनस लगा दो 2.25 पी स्क्वायर। अब ये क्या था माइनस है तो क्या कर दो प्लस 7.5 पी क्यू, फिर ये क्या है प्लस है तो क्या लगा दो माइनस 6.25 क्यू स्क्वायर। अब जो जो कट रहा है उसको काट दो, देखो कौन कौन कट रहा है, ये कटा और ये कटा कट गया, ये कटा और ये कटा, ये कटा और ये कटा, जब सब कट गया तो आंसर कितना आएगा 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, क्या दिया है देखो ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, वापस से सेम फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, ए बी का क्या होल स्क्वायर प्लस 2, ए कितना है ए बी और बी कितना है बी सी प्लस बी सी का क्या होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर था, ये कितना हो गया 2, देखो ए एक है लेकिन b कितना है b दो ठो है तो b स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2 a b स्क्वायर c। अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, एक ही तो कैंसिल हो रहा है देखो ये और ये कट गया ना, अब कितना आया a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर, यही क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर m का होल स्क्वायर प्लस 2mqn स्क्वायर, ये भी इजी है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा आप लोग खुद बताओ, a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, चलो लगाते हैं, a कौन है m स्क्वायर, m स्क्वायर का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर माइनस 2, a कितना है m स्क्वायर, b कितना है
एन स्क्वायर एम ये है ठीक है, अब प्लस बी स्क्वायर कितना है एन स्क्वायर एम, बी था अब इसका होल स्क्वायर प्लस टू एम क्यू एन स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो कितना आएगा m की पावर 4 आ गई ना, ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाता है 2 2 4 माइनस ये कितना हो गया 2 m टोटल कितना है यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है तो टोटल कितना हो जाएगा 3 है ना n स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा n का पावर 4 और m का कितना स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे 1 है ठीक प्लस 2 m क्यू एन स्क्वायर। अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या क्या बचा m का पावर 4 प्लस n की पावर 4 m स्क्वायर बचा, ये क्या हो गया हमारा आंसर। इजी था, देखो हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। चलिए हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या करना है सो दैट मतलब हमको क्या करना है बच्चा प्रूफ करना है, प्रूफ करना है ना। अब प्रूफ कैसे करते हैं, प्रूफ में क्या करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या करते हैं राइट हैंड साइड ठीक है, यही हमको करना है। चलिए करते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। ये दिया है 3x plus 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x इज इक्वल टू 3x minus 7 का होल स्क्वायर, मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड कौन हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ठीक। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ठीक है। अब कितना दिया है 3x plus 7 का क्या होल स्क्वायर माइनस 84x। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे फिर दोनों को इक्वल ला देंगे ठीक है। तो देखो ये कौन सा फॉर्मूला a plus b का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 7 प्लस 7 का क्या होल स्क्वायर माइनस 84x। चलो सॉल्व करो ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 2 3 6 6 7 6 7 कितना होता है 6 7 होता है 40 42x प्लस 7 7 49 माइनस 84x स्क्वायर स्क्वायर नहीं ना 84x ठीक है। अब क्या होगा जो लाइक टर्म है उसको सॉल्व कर दो और जो नहीं है उसको एज इट इज लिख दो, तो 9x स्क्वायर का तो कोई लाइक टर्म नहीं है, लाइक टर्म दोनों कौन है ये और ये दोनों लाइक टर्म है। तो देखो 42x प्लस है और 84x क्या है माइनस है, प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो पहले माइनस कर लेते हैं 4 में से 2 गया 2, 8 में से गया 4 मतलब 42 आया है ना, लेकिन बड़ा कौन है हमारा 84x, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन डाल देंगे क्योंकि बड़े में माइनस लगा है ठीक। तो माइनस 42x प्लस 49 हो गया है ना। तो देखो ये हो गया हमारा LHS, इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब RHS देखो, RHS कितना दिया है 3x माइनस 7 का क्या होल स्क्वायर, 3x माइनस 7 का क्या होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूला आप लोगों को पता है 3x का क्या होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 7 प्लस 7 का क्या होल स्क्वायर। आप इसको करो 3 3 9x स्क्वायर माइनस 2 3 6 6 7 42x प्लस 7 7 49 है ना, इसको दे दो इक्वेशन 2। अब देखो LHS और इक्वल्स टू RHS है कि नहीं है, है ना दोनों सेम टू सेम है, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया LHS इज इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर का साइन डाल लेना ठीक है
ये हो गया फिर प्रूफ्ड, हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। चलिए ऐसे ही अब हम क्वेश्चन नंबर टू बनाते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कितना दिया है बताओ आप लोग, लेफ्ट हैंड साइड दिया है 9p-5q का होल स्क्वायर प्लस 180pq। अब इसको सॉल्व करो कितना होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, 9p का होल स्क्वायर माइनस 2 9p इंटू 5q प्लस 5q का क्या होल स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस 180pq। अब इसको सॉल्व करो, 9p स्क्वायर, 9 का कितना होता है स्क्वायर 81p स्क्वायर माइनस 2 9 जा, देखो 2 5 जा कितना हो गया 10 हो गया, और 10 9 जा 90pq इजी था, प्लस 5 5 जा 25q स्क्वायर प्लस 180pq था। अब जो लाइक टर्म है उसको सॉल्व करो और जो नहीं है उसको एज इट इज लिख दो, 81p स्क्वायर ये दोनों लाइक टर्म है, तो देखो 180 में से 90 गया तो 90 ही बचेगा, लेकिन साइन किसका लगेगा जो बड़ा है, बड़ा कौन है 180pq प्लस 25q स्क्वायर, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, ठीक है, आपको ये सॉल्व नहीं होगा ना। देखो बच्चा सब में हम लोग सेम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब RHS कितना दिया है, RHS हमको दिया है 9p प्लस 5q का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपांड करो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, a कितना है 9p का होल स्क्वायर प्लस 2 × 9p × 5q प्लस 5q का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 9 9 कितना होता है 81p स्क्वायर प्लस 2 5 जा 10 और 10 9 जा 90pq प्लस 5 5 जा 25q स्क्वायर, ये हमारा हो गया इक्वेशन टू। अब देखो दोनों सेम है कि नहीं है, देयरफॉर LHS सेम है ना, तो इक्वल का साइन इक्वल टू RHS है ना, फिर प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड लिख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया, ये भी बच्चा बिल्कुल सेम है ना, आप लोग सॉल्व करेंगे। LHS कितना दिया है, LHS दिया है 4/3m-3/4n का क्या होल स्क्वायर प्लस 2mn, आप लोगों को ये सॉल्व करने आता है मेरे को पता है ना, फ्रैक्शन वाला। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, चलो फॉर्मूला अप्लाई करो, 4/3m का क्या होल स्क्वायर माइनस 2 × 4/3m × 3/4n, ठीक है, फिर प्लस 3/4n का क्या होल स्क्वायर प्लस 2mn। अब देखो जब ऐसा फ्रैक्शन वाला आता है ना तो हम एक चीज देखते हैं कि जो कट रहा है उसको कटा दो, जैसे कि 3 और ये 3 कट गया, याद रखना मल्टीप्लाई में हमेशा ऊपर नीचे कटता है क्रॉस क्रॉस, ये 4 4 कट गया ना, अब जो बचा उसको लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर सबका है भाई, होल मतलब सबका है, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन m का स्क्वायर, सॉरी m स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 बचा है और क्या बचा है m n, फिर प्लस यहाँ पे भी 9 का 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 n स्क्वायर प्लस 2mn, जो कट रहा है उसको कटा दो, ये और ये आपस में कट गए तो कितना बचा 16/9m² प्लस 9/16n². अब देखो इसको दे दो इक्वेशन वन, RHS कितना दिया है हमको, RHS देखो ये दिया 16/9m² प्लस 9/16n²
देखो तो इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, नहीं पड़ी ना, ऑलरेडी दे दिया है। देयरफॉर एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, ठीक है। चलिए